भाजपा का राष्ट्रवाद क्या चीनी आइटमों के सहारे है अब? भाजपा गुजरात के विधानसभा चुनाव में प्रयुक्त होने वाली चुनाव प्रचार सामग्री चीन से आयात कर रही है। वैसे मोदी सरकार का चीनी प्रेम अभी भी रहस्य बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चीन से चटाई मंगाना, चुनाव प्रचार में सामग्री चीन से लाना, सरदार पटेल की मूर्ति तक चीन से बनवाना, जैसे अनेकों उदाहरण हैं जहां मोदी सरकार का राष्ट्रवाद सवालों और संदेहों के घेरे में है। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये चीन पर केवल मेहरबानी है या मोदी सरकार किसी दबाव में चीन के सामने घुटने टेक रही है। कुछ दिनों पहले तक राष्ट्रवाद और स्वदेशी का राग अलापने वाले और दिवाली में चीनी पटाखों और झालरों का विरोध कर देशभक्ति दिखाने वाले मौसमी मेंढक भी आजकल नजर नहीं आ रहे हैं। शायद भाजपा के चीनी प्रेम के बाद चेहरा दिखाने लायक भी ना बचा हो। देश की जनता को बाबा रामदेव से साबुन तेल खरीद कर स्वदेशी अपनाने की शिक्षा देने वाले आप किस कोठरी में जाके छुपे हैं? देश के युवाओं की रोजी रोटी चीन को देना कौन सा राष्ट्रवाद है? चीन से भाजपा का प्रेम हास्यपद भी लगता है। जैसे चीनी सामान अपने निम्न गुणवत्ता व अविश्वसनीयता के लिए जाने जाते हैं, लगभग वही हाल आजकल भाजपा के वादों, भाषणों और जुमलों का भी है। ये बिल्कुल चीनी सामान की तरह है जिन पर विश्वास करके केवल धोखा और निराशा ही मिलती है।